मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर कांग्रेस की बड़ी बैठक दिल्ली में हुई और इसमें वचन पत्र के बिंदुओं को भी केंद्रीय नेतृत्व के सामने रखा गया। वचन पत्र में कांग्रेस ने नारी सम्मान योजना, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली और ओबीसी आरक्षण जैसे बड़े मुद्दे तो रखे ही, कर्नाटक की तर्ज पर कुछ ऐसे मुद्दे भी रखे जो सियासी बवाल मचा सकते हैं। हिंदू महासभा को बैन करने की मांग कांग्रेस के नेताओं ने की है और वचन पत्र समिति के सदस्यों को पत्र भी लिखा है कि वो हिंदू महासभा को मध्य प्रदेश में बैन करने का मुद्दा वचन पत्र में शामिल करें। महात्मा गांधी के हत्यारे नाथुराम गोडसे हिंदू महासभा से ताल्लुक रखते थे। अब सवाल है कि क्या हिंदू महासभा को बैन करने का मुद्दा मध्य प्रदेश में कांग्रेस वचन पत्र में लाएगी और यदि ऐसा हुआ तो क्या सियासी बवाल बचेगा। हालांकि पिछले 9 सालों में बीजेपी नाथुराम गोडसे से पल्ला झाड़ चुकी है। देखिए हमारे विशेष संवाददाता अरुण तिवारी की ये रिपोर्ट। और इस तरह से नाथुराम गोडसे ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी। नाथुराम गोडसे हिंदू महासभा से ताल्लुकात रखते थे और आज भी हिंदू महासभा नाथुराम गोडसे की पुण्यतिथि और जयंती धूमधाम से मनाता है, खासतौर पर मध्य प्रदेश के ग्वालियर और चंबल अंचल में। कहा भी जाता है कि नाथुराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या के लिए जिस पिस्टल का इस्तेमाल किया वो ग्वालियर से ही उन्हें मिली थी। बहरहाल अब गांधी के हत्यारे गोडसे के संगठन हिंदू महासभा को बैन करने की मांग ग्वालियर चंबल के कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। बाकायदा नेताओं ने ग्वालियर के प्रभारी और वचन पत्र समिति के सदस्य अजय सिंह को इस संबंध में एक पत्र भी सौंपा है। और महात्मा गांधी की हत्या करने वालों को ग्वालियर अचल में, ग्वालियर के अंदर हिंदू महासभा उनका जन्मदिन और उनका उत्सव मनाती है तो इसका विरोध करते हैं हम। और विरोध करने के साथ साथ जो जिस प्रकार से कर्नाटक में बजरंग दल को बैन करने की बात मैनिफेस्टो में दी गई है, उसी प्रकार से हिंदू महासभा को भी समाज के अंदर कुरीति, समाज के अंदर कहीं ना कहीं गलत मैसेज देने के लिए उनको बैन करने के लिए हम आह्वान कर रहे हैं कि इनको भी हिंदू महासभा को कहीं ना कहीं बैन किया जाए। ये मांग इसलिए उठ रही है क्योंकि ग्वालियर में नाथुराम गोडसे की पुण्यतिथि और जयंती धूमधाम से मनाई जाती है। गोडसे का मंदिर बनाने की मांग तो हिंदू महासभा पिछले कई सालों से कर रही है। हर साल हिंदू महासभा के लोग सार्वजनिक तौर पर गोडसे की जयंती और पुण्यतिथि मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस हर बार उन्हें ऐसा करने से रोक देती है और बंद कमरे में ही कार्यक्रम का आयोजन होता है। कांग्रेस नेताओं ने हिंदू महासभा को बैन करने की मांग की तो जाहिर तौर पर हिंदू महासभा की तरफ से रिएक्शन भी आया। देखिए, उनकी मानसिक, कांग्रेस के प्रवक्ता की मानसिक संतुलन खो चुका है वो, इसलिए उनको अपने मानसिक संतुलन का जांच करानी चाहिए और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं पर इस पर ध्यान देना चाहिए। वैसे ही कांग्रेस जो है और बीजेपी दोनों की जो है उससे निश्चित रूप से राजनीतिक ग्राफ गिरता चला जा रहा है। अब सवाल ये है कि क्या कांग्रेस की वचन पत्र समिति इस मुद्दे को अपने वचन पत्र में शामिल करेगी, क्योंकि 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने सरकारी परिसर में आरएसएस की शाखाओं के संचालन करने और सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के शाखा में जाने पर छूट देने के आदेश को निरस्त करने का मुद्दा अपने वचन पत्र में शामिल किया था, तो इस मसले पर जमकर सियासी बवाल मचा था। बीजेपी ने भी इसका विरोध किया था। वचन पत्र में कांग्रेस ने इस मुद्दे को शामिल तो किया, लेकिन जब कमलनाथ सरकार सत्ता में आई तो वो 15 महीने सरकार में रहने के बाद भी इस मामले में कोई आदेश निकाल नहीं पाई थी, इसलिए फिलहाल कांग्रेस इस मामले पर विचार करने की बात करती नजर आ रही है। कि गांधी जी इस देश के राष्ट्रपिता हैं, हम ही नहीं पूरा विश्व उनका सम्मान करता है, पूरा विश्व उनके सामने अपना सर झुकाता है। ऐसे में अगर कोई गोडसे की जयंती मनाता है तो वाकई शर्मनाक है और जिसका विरोध हर नागरिक को देश के करना चाहिए। कांग्रेस का ये स्टैंड इसीलिए भी नजर आता है क्योंकि कांग्रेस ने कर्नाटक में बजरंग दल को बैन करने का मुद्दा अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया और इसके बाद बीजेपी ने इससे भरपूर तरीके से भुनाया। कांग्रेस को बैकफुट पर भी आना पड़ा। कर्नाटक के चुनाव में बजरंगबली की एंट्री हो गई। इस सब के बाद भी बीजेपी कर्नाटक का चुनाव हार गई। फिलहाल कांग्रेस ये देख रही है कि मुद्दा यदि वचन पत्र में शामिल होता है तो इसका राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ेगा। हालांकि हिंदू महासभा और गोडसे से बीजेपी कब का पल्ला झाड़ चुकी है। 2014 के लोकसभा चुनाव के पहले गोडसे को बीजेपी और आरएसएस के नेता चोरी छुपे अपना समर्थन देते रहे हैं, क्योंकि 2014 के चुनाव से पहले हिंदू महासभा गोडसे की पुण्यतिथि और जयंती मनाती रही, लेकिन बीजेपी सरकार ने कभी कोई बड़ा एक्शन महासभा के नेताओं के खिलाफ नहीं लिया। लेकिन 2014 लोकसभा चुनाव जीतने के बाद जब महात्मा गांधी को बीजेपी ने अपना बना लिया
तो गोडसे से और ज्यादा दूरी बना ली गई। नाथूराम गोडसे देशभक्त थे, हैं और रहेंगे। 2019 के लोकसभा चुनाव में भोपाल की सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने गोडसे को देशभक्त कह दिया था। इसके बाद न केवल प्रज्ञा ठाकुर को सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी पड़ी थी और ये भी कहना पड़ा था कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। और तो और लोकसभा के भीतर भी प्रज्ञा ठाकुर ने गोडसे को राष्ट्रभक्त कह दिया था। इसके बाद तो जमकर बवाल मचा। खुद केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह को कहना पड़ा कि गोडसे की विचारधारा से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। अध्यक्ष महोदय, नाथूराम गोडसे को देशभक्त कहे जाने की बात तो दूर, मैं समझता हूं कि यदि देशभक्त मानने की किसी की सोच है, हम इस सोच को ही पूरी तरह से हमारी पार्टी कंडम करती है। यानी कांग्रेस यदि हिंदू महासभा को बैन करने का प्रस्ताव लाती भी है तो बीजेपी इसका विरोध पुरजोर तरीके से करेगी ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि बीजेपी ही गोडसे से पल्ला झाड़ चुकी है। और ग्वालियर चंबल अंचल में हिंदू महासभा का ऐसा कोई राजनीतिक प्रभाव नहीं है जो यहाँ की चुनावी राजनीति पर असर डाल सके। राजनीतिक फैसले सिर्फ और सिर्फ वोट का नफा नुकसान देखकर ही होते हैं। द सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें thesootr.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 7000024141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।